फ्रेंड्स आज की स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप बिना व्हाट्सएप को ऑन किए यहाँ पर आप किसी के साथ भी चैटिंग कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स आपने सही सुना, यहाँ पर अब आपको ऑनलाइन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यहाँ पर उसको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला कि आप ऑनलाइन हैं या फिर नहीं। मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं अपने दूसरे मोबाइल पर यहाँ पर एक मैसेज सेंड करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ आर यू, मैंने यहाँ पर ये सेंड किया और मैं यहाँ पर अपना दूसरा व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया और यहाँ पर उसको पता भी नहीं लगेगा कि कब ऑफलाइन हुआ कब ऑनलाइन। अब आपको दिखाता हूँ ये आगे कैसे आपको सेटिंग करनी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे यहाँ पर आप बिना ऑनलाइन आए कैसे मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सिंपली इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी होगी, एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बारे में मिल जाएगा, करते जाना है। इसकी सारी परमिशन आप जल्दी जल्दी से अलाउ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसकी सारी परमिशन अलाउ कर देते हो, अब सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। आपको जाना होगा अपने व्हाट्सएप पर। मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप पे आ गया हूँ। मैं फिर से एक बार मैसेज सेंड करता हूँ यहाँ पे, जिससे मैंने यहाँ पर फिर से हेलो लिखा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप अब ओपन नहीं करना आपको। ओके, अपना व्हाट्सएप बिल्कुल ही ओपन नहीं करना। आपको व्हाट्सएप पे मेरा एक मैसेज दिख रहा है, ये ओपन नहीं करना आपको। अब ये वाली जो एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया है इसको ओपन करना है। अब इसको ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया हेलो का। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से आप चाहें तो उससे बात भी कर सकते हैं। आपको अगर कुछ सेंड करना है, मान लीजिए यहाँ पर हाय लिख देता हूँ तो यहाँ पर मैसेज चला गया। और यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप ओपन नहीं करना, तो उस बंदे को पता नहीं लगेगा यहाँ आपने मैसेज सेंड किया और कैसे मैसेज आया, मतलब उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। उसको लास्ट सीन वही दिखाई देगा जो आपने सबसे फर्स्ट टाइम पे यूज किया था। तो इस ट्रिक से यहाँ पे आप क्या होगा कि आपको व्हाट्सएप के ओपन करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली बीच वाली एप्लीकेशन ओपन करनी है नोटिस सेव। ओके, इसका नाम है नोटिस सेव, बस ये ओपन करनी है। यहीं से आप इसके साथ चैटिंग कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर लास्ट सीन हमारा क्या था, वही दिखता रहेगा जो आपने व्हाट्सएप जिस टाइम ओपन किया होगा, वही पुराना लास्ट सीन आपको दूसरे बंदे को दिखाई देता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस ट्रिक से यहाँ पर आप किसी भी इजी तरीके से ऑफलाइन में भी आप बातें कर सकते हैं, आप किसी के साथ भी मान लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, पसंद आया, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें। ये वैसे बहुत ही इजी तरीका है और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया, ये ट्रिक आपको पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और लाइक करने के साथ साथ यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि यहाँ पर आपका कोई भी दोस्त आपका इस ट्रिक से फायदा उठा सके। और ऐसी ही रोजाना इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।